आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां लखनऊ में आईआईटी के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। ट्रिपल आईटी के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति की अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में उनका आगमन हम सब के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक नया प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर उनका दो दिवसीय प्रदेश प्रवास का कार्यक्रम कल विद्या की राजधानी वाराणसी में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे प्रदेश के इन दो प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हुए और प्रदेश की उच्च शिक्षा से जुड़े हुए उन लाखों छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति हम सब के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो उन्होंने प्रदेश के अंदर राज्य सरकार से संचालित सभी विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित करने से लेकर के उनके कार्य पद्धति में व्यापक सुधार करने और उनके दीक्षांत समारोह में स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर के उन्हें एक नई प्रेरणा दी है। और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यह परिवर्तन उनके नेतृत्व में चलिए इस अभियान का हिस्सा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ट्रिपल आईटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज जिन युवा साथियों को उनकी डिग्री अवार्ड हुई है उन्हें और उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। हम सब एक नए भारत का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों के अंदर आपने देश की बदलती हुई इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अपने युवा ऊर्जा के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। और आप उत्तर प्रदेश में हैं तो नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ आपको कार्य करने के एक अवसर के रूप में मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 trillion के समकक्ष रखने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ $1 trillion की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। और मेरा यह मानना है, यहां पर जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, वास्तव में दीक्षांत उपदेश एक केवल उपदेश नहीं है कि हमने सुना और फिर उसको विस्मृत कर दिया। यह उपदेश भारत की प्राचीन उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो हम सबको याद रखना, जब तैतृय उपनिषद में प्राचीन गुरुकुलों में समावर्तन समारोह के कार्यक्रम होते थे, इस बात का उल्लेख किया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, यानी मैं जीवन में सत्य का आचरण करूंगा, व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में,
और जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में। धर्म का मतलब केवल उपासना विधि से नहीं है, धर्म अपने कर्तव्य के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति हमें जागरूक करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करे। वह एक शाश्वत व्यवस्था को भारतीय मनीषा ने धर्म माना है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं जीवन संग्राम में अपने आप को योग्य बनाऊंगा। टेक्नोलॉजी आज इसका एक बहुत सशक्त माध्यम है। टेक्नोलॉजी के इस युग में आपने देखा होगा आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को भी और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम मिला है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें किस रूप में करना है, यह आज की आवश्यकता के अनुरूप इस नए उत्तर प्रदेश में, चाहे वह हमारी सरकार के द्वारा फोकस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल रिलेशन और वर्चुअल कनेक्टिविटी के विकास पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है, और इस संदर्भ में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में ट्रिपल आईटी के लिए एक साझेदार के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक बेहतरीन अवसर है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर का हब बनाने, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं जिनके लिए हम इस दिशा में अपने कैरियर को भी चुन सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पहल के साथ हमें इस नए डायमेंशन के नेतृत्व करने के लिए, इससे संबंधित क्षेत्र के लिए जो ट्रेन और इंप्रूव्ड मैन पावर, जो मानव संसाधन है, इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में जो कार्य किए जा रहे हैं, और खासतौर पर जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में अक्सर एक बात आप सुनते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, और एक शिकायत हमेशा आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टर जाते नहीं या उपस्थित नहीं रह पाते। हम वहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिजिटल हॉस्पिटल की दिशा में भी, और सबको सुरक्षा प्रदान करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम लोग इस दिशा में बेहतर दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसमें कदम बढ़ाए हैं तो उसमें हमें व्यापक सफलता भी प्राप्त हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ जैसे संस्थानों के छात्र इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि